अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको करा रही हूँ आपकी साइंस की बुक में चैप्टर नंबर 8, फूड वी ईट, खाना जो हम खाते हैं। फूड इज़ नेसेसरी, फूड बहुत ज़रूरी है। सोर्सेज ऑफ फूड, फूड के क्या क्या सोर्स होते हैं ये भी हम पढ़ेंगे। हेल्दी फूड, हेल्दी फूड्स क्या होते हैं, एंड गुड फूड हैबिट। सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम फूड। वी नीड टू ईट फूड, हमें खाने के लिए भोजन की ज़रूरत होती है। फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, खाने भोजन हमें क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। किस लिए, जिससे हम अपना काम भी कर सकते हैं और खेल भी सकते हैं। इट हेल्प्स द बॉडी टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी, ये हमारी बॉडी को ग्रो करने में मदद करते हैं और हेल्दी रहने में भी हमारी मदद करते हैं। सोर्सेज ऑफ फूड, फूड के क्या क्या सोर्स होते हैं, मतलब हमें खाना कहाँ कहाँ से मिलता है। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, हमें खाना किससे मिलता है, प्लांट्स से और एनिमल्स से। दे आर नाउन एज द सोर्सेज ऑफ फूड, ये फूड के सोर्सेज माने जाते हैं। वी गेट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स एंड पल्सेस फ्रॉम प्लांट्स, हम प्लांट से क्या क्या लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, वेजिटेबल्स लेते हैं, सीरियल्स लेते हैं, पल्सेस दालें लेते हैं। वी गेट ऑयल फ्रॉम सीड्स ऑफ मैनी प्लांट्स, हम बहुत से प्लांट्स से ऑयल भी लेते हैं, उनके बीजों से ऑयल मतलब तेल भी हमें मिलता है। ऑयल इज यूज टू कुक फूड, ऑयल खाना बनाने के काम आता है। वी गेट मिल्क, एग्स, मीट एंड फिश फ्रॉम एनिमल्स, और एनिमल्स से हमें क्या मिलता है, मिल्क मिलता है, दूध मिलता है, एग अंडे मिलते हैं, मीट गोश्त मिलता है, एंड फिश और फिशेस मिलती हैं एनिमल्स से। मिल्क इज फर्दर यूज टू मेक बटर, कर्ड, घी, चीज, पनीर एंड स्वीट्स। दूध एक और यूज में आता है, किसमें, क्या बनाने में, कर्ड बनाने में मतलब दही बनाने में, घी बनाने में, बटर बनाने में, चीज़, पनीर ये सब किससे बनते हैं, एंड स्वीट्स ये सब दूध से बनती हैं। देयर आर नाउन एज मिल्क प्रोडक्ट्स, और इन्हें हम किस नाम से जानते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स के नाम से। फिर है हेल्दी फूड। वी नीड टू ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, हमें ज़िंदा रहने के लिए अलग अलग तरीके की फूड की ज़रूरत होती है, टू स्टे हेल्दी और हेल्दी रहने के लिए भी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ड्रिंक मिल्क फॉर स्ट्रॉन्ग टीथ एंड बोन्स, दूध किस लिए ज़रूरी होता है, हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हमारी हड्डियों को मजबूत करने के लिए और हमारे दांतों को भी स्ट्रॉन्ग बनाने में, मजबूत बनाने में। वी नीड टू ईट अ लॉट ऑफ फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल, हमें बहुत सारे फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स की भी नीड होती है, हमें हमेशा फ्रेश वेजिटेबल्स ही खाने चाहिए और फ्रेश फ्रूट ही खाने चाहिए। एग्स, मीट एंड फिश आर आल्सो हेल्दी फूड, और इसके अलावा हेल्दी फूड है एग, अंडा, मीट, गोश्त एंड फिश। इट इज़ नेसेसरी टू हैव सीरियल्स एंड पल्सेस फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड हेल्थ, और हमें सीरियल्स और पल्सेस की भी ज़रूरत होती है ग्रोथ करने के लिए, मतलब हमें हर तरीके का खाना चाहिए, ये नहीं कि हम कुछ चीज़ें नहीं खाएं, हमें सभी खाना चाहिए। इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, और इसके अलावा पानी भी बहुत ज़्यादा हमें पीना चाहिए। फिर है गुड फूड हैबिट, हेयर इज़ अ लिस्ट ऑफ गुड फूड हैबिट डेट वी मस्ट फॉलो, यहाँ एक लिस्ट है अच्छे खाने की जो हमें फॉलो करनी चाहिए। ईट फ्रेश एंड वेल कुक्ड फूड, हमेशा फ्रेश और अच्छे से पका हुआ खाना ही खाना चाहिए। कीप फूड कवर्ड, हमेशा खाने को कवर करके रखना चाहिए, ढककर रखना चाहिए। वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रॉपरली बिफोर ईटिंग, खाने से पहले फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को अच्छे से वॉश करना चाहिए, धोना चाहिए। Do not eat food such as burgers, pizzas, candies and chips too often. ये जो burger, pizza वगैरह होते हैं इन्हें नहीं खाना चाहिए, ये हमें नुकसान देते हैं। Such food are called junk food and are not healthy. इन foods को junk food कहते हैं और ये healthy भी नहीं होते, ये हमें बीमार कर देते हैं। Wash your hands properly before eating food. हमेशा खाना खाने से पहले हमें अपने hand अच्छे से wash करने चाहिए, soap से धोने चाहिए। Never overeat, हमेशा कभी भी overeat मतलब ज़्यादा, बिल्कुल जितना हमारी बॉडी को ज़रूरत है उतना ही खाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं खा लेना चाहिए हमें एकदम। We must have our meals on time, हमेशा अपना खाना टाइम पर खाना चाहिए। Eating fresh food is much better for health than drinking a glass or packed fruit juice. Summary,
फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. वी गेट डिफरेंट फूड फ्रॉम प्लांट्स एनिमल्स. फूड हमें एनर्जी देते हैं जिससे हम काम करते हैं और खेलते हैं, और हमें एनिमल्स और प्लांट्स से अलग अलग तरीके का खाना मिलता है. टू स्टे हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग वी नीड टू ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड. हमें हेल्दी रहने के लिए अलग अलग तरीके के खाने की ज़रूरत होती है. वी मस्ट ईट क्लीन एंड फ्रेश फूड. हमेशा क्लीन एंड फ्रेश फूड ही खाना चाहिए. इसकी एक्टिविटी है, देखिए, राइट पी फॉर फूड वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, राइट ए फॉर फूड वी गेट फ्रॉम एनिमल्स. हमें पी पर, पी तो उसके लिए लिखना है जो हमें प्लांट से मिलते हैं, और ए उसके लिए लिखना है जो हमें एनिमल से मिलते हैं. जैसे ये क्या है, ये ए. एग्स किससे मिलते हैं, ए, एनिमल से. ये पी, पी ए. चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम बॉक्स इन द फिल इन द ब्लैंक्स. फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सोर्सेस ऑफ फूड. बटर एंड कर्ड आर मिल्क प्रोडक्ट. वी मस्ट वॉश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग. सीरियल्स एंड वेजिटेबल्स आर फूड फ्रॉम प्लांट्स. मैच द फॉलोइंग, ये मैंने मैच कर दिए हैं. राइट, ट्रू और फॉल्स. वी गेट मीट एंड एग्स फ्रॉम प्लांट्स. फॉल्स. सीरियल्स एंड पल्सेस आर नॉट प्लांट्स, नो आर प्लांट फूड. ट्रू. ओवर ईटिंग इज गुड फॉर हैबिट, इज अ गुड फूड हैबिट. फॉल्स. वी मस्ट वॉश एन एप्पल बिफोर ईटिंग इट. ट्रू. आवर बॉडी नीड्स प्रॉपर फूड एंड प्रॉपर ग्रोथ. ट्रू. क्वेश्चन आंसर मैंने आगे करे हैं आपके लिए. दिस इज नॉट अ मिल्क प्रोडक्ट, राइस. विच ऑफ दिस इज नॉट अ गुड फूड हैबिट, ओवर ईटिंग. विच ऑफ दिस इज अ प्लांट प्रोडक्ट, शुगर. विच ऑफ दिस इज हेल्दी फूड, कर्ड. आंसर द फॉलोइंग. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वाई डू वी नीड टू ईट फूड. आंसर, फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. ये हमें कॉपी में करना है. क्वेश्चन नंबर दो, वाट आर द सोर्सेज ऑफ फूड. आंसर, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड. क्वेश्चन नंबर थ्री, वाट आर मिल्क प्रोडक्ट, गिव एग्जाम्पल्स. आंसर, प्रोडक्ट्स डेट वी गेट फ्रॉम मिल्क आर कॉल्ड मिल्क प्रोडक्ट्स. एग्जाम्पल, कर्ड, घी, पनीर, एक्सेट्रा. Why it is good to have milk? Answer: It is good to have milk for strong bones and teeth. True and false मैंने कर लिए हैं. ये काम आप कीजिएगा. ये सब तो आपको बुक में फिल करना है और ये कॉपी में. अल्लाह हाफिज़.